ఢిల్లీలో సోనియాతో సమావేశం అనంతరం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें. 64-65 के जो चुनाव होने वाला है 24 में मैडम ने कहा है कि हमारा संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है. 17-12 दिन के बाद हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और नया जो प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो तो उनको सबको बैठा करके हम लोग इकट्ठा बात करेंगे. और सहमति है, भाजपा के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है. कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, गिरवाया. इससे कोई डरने वाला नहीं है और हम लोग यही बात किया है और हम लोग फिर उनसे मिलेंगे. यही बात लालू जी राहुल गांधी की क्या बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि एकजुटता कैसे होगी. जी नहीं, वो तो दूसरी चीज है, वहाँ तो पहले से ना होता है. वो तो उनसे मिले थे तो उस दिन बुलाए थे कई पार्टियों के लोग, तो उससे मतलब नहीं है कि कोई ऑल पार्टी कोई चीज थी. लेकिन सर आप तो उनका मंच पे जाते हैं, टीआरएस चीफ आपसे मिलते हैं, दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं है, वही पूछ रहा हूँ कि सबको एक साथ लाने के लिए आप क्या दलों को कैसे साथ लाएं. नहीं देखिए, हमारी या हम लोगों की जिन पार्टियों से बातचीत होती है उनको तो हम लोग परामर्श देते ही है कि सब लोग मिल करके चलिएगा. अच्छा, लेकिन वो तो अभी थोड़ा समय के बाद की बात है, अभी तो हम लोग सबको सलाह दे रहे हैं. अमित शाह कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे भी 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे. अमित शाह ने पूर्णिया में पूर्णिया एयरपोर्ट बना, वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया. वो बात कह दें पूर्णिया का, अब आप सुन लीजिएगा, यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं. जब हम लोग पूर्णिया में मीटिंग करेंगे उस दिन बता देंगे बहुत सारा चीज. कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, कोई मतलब है उनकी बात का. फिर मिलेंगे.